भिवानी के सुईगांव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जोरदार स्वागत। राष्ट्रपति ने 25 करोड़ की विकास योजना को किया लोकार्पण। सीएम मनोहर लाल ने भी सुईगांव में दी गई सौगात। दिल्ली में पीएचडी सीसीआई ने आयोजित किया कार्यक्रम। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कार्यक्रम को किया संबोधित। चेयरमैन राकेश गुप्ता भी रहे मौजूद। गुरुग्राम में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। 19 शिकायतों पर मंथन। प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर बोले शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। 1 दिसंबर से पूरी ताकत के साथ खुलेंगे स्कूल। 1 जनवरी से शुरू होगा मिड डे मील। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मीट की दुकानों को लेकर प्रशासन ने उठाया सख्त कदम। मीट शॉप खोलने पर होगी कड़ी कार्रवाई। नगर परिषद ने गठित की कई टीमें। और पलवल में धड़ल्ले से किया जा रहा बुढ़ापा पेंशन में फर्जीवाड़ा। फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए 10 लोगों को दिया जा रहा था पेंशन। सीएम फ्लाइंग टीम ने की कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तो मेट्रो सिटी में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम बड़ी खबरों के साथ। गुरुग्राम में प्रदूषण को लेकर स्थिति और भयावह होती जा रही है। लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है। शहर में कंस्ट्रक्शन साइट्स और प्रदूषण फैलाने वाली कई कंपनियों को 22 नवंबर तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। वाजुद इसके एक्यूआई लेवल 350 की खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। ये हाल तो तब है जबकि साइबर सिटी की अवहेलना को साफ रखने के लिए शहर भर से एयर प्यूरिफायर लगाए गए थे जो कि बंद पड़े हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग व हरियाणा सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं जो कि आज सभी विभागों को भेज दिए गए और उनकी पालना सुनिश्चित की जाएगी। गुरुग्राम का एयर पोल्यूशन लेवल आसपास के क्षेत्र की अपेक्षा काफी कम है और गुरुग्राम प्रशासन, हरियाणा राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गुरुग्राम और सभी संबंधित विभाग 1 अक्टूबर से ही इस पोल्यूशन को रोकने के लिए लगे हुए हैं। सभी विभाग अपने अपने कार्य को दिन रात तेजी से करें। खबर फरीदाबाद से है जहां वार्ड नंबर 35 में स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद मुहिम के तहत वल्लभगढ़ जोन के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव ने मार्केट में किए गए अतिक्रमण को हटाया। वहीं कुछ दुकानों के सामने कूड़े के ढेर लगे हुए थे जिन पर कार्रवाई करते हुए अनिल यादव ने दुकानदारों के चालान भी काटे। आपको बता दें कि ज्वाइंट कमिश्नर खुद सड़क पर से कूड़ा उठाते हुए नजर आए। साथ ही फरीदाबाद में नगर निगम अब सख्ती में है। अवैध कब्जे के मामले में सख्ती अपना रही है। अवैध निर्माण को हटाने का काम लगातार जारी है। आज का ये जो अभियान है स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद की मुहिम है जो उसमें हमारी तरफ से सहयोग के लिए किया गया है। इसके अंदर पूरे वार्ड के अंदर हम ये सफाई अभियान चला रहे हैं। इसके अंदर जितनी भी कूड़ा करकट मिट्टी जो अनऑथराइज जो वेजिटेशन उगी है या वैसे अवैध कब्जे हैं लोगों के जो कूड़ा फैलाते हैं उन सब के ऊपर एक तरफा कार्रवाई है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस की पदयात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री बृजेंद्र कादियान ने हर खबर से विशेष बातचीत की है और बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। तो कांग्रेस बहुत ही कमा था लेकिन महंगाई डायर हाल जा रहा है और इसी को लेकर आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ रही है उसे लेकर आज कांग्रेस जो है पदयात्रा निकाल रही है। बृजेंद्र कादियान के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है। हमारे साथ कादियान जी यहाँ पर मौजूद है हर खबर हरियाणा के साथ। विजेंद्र जी आज महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। ऐसा है
कि आज आप भी देख रहे हैं कि कोई भी वर्ग इस प्रदेश की और केंद्र की सरकार से खुश नहीं है, और जो भाव डीजल पेट्रोल गैस जिसके लिए ये पार्टी बात करती थी कि हम गैस के ये सिलेंडर फ्री देंगे, गैस सस्ती देंगे, सब्सिडी देंगे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ भाव बढ़ाने के अलावा इस बीजेपी की सरकार ने कुछ किया नहीं, और इसको लेकर के इसके विरोध में जो महंगाई के कारण सारे वर्ग दुखी हैं, कांग्रेस पार्टी ने ये कार्यक्रम तय किया कि 14 नवंबर से 29 नवंबर तक जन जागरण अभियान सारे प्रदेश और सारे देश में किया जाए, ताकि इसकी गलत नीतियों का भाजपा ने जो तकलीफ और जो कष्ट इस भारत की जनता को दिया, इसे छुटकारा पाने के लिए ये आज जन जागरण अभियान शुरू हुआ। लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जो है कभी कभी सो सो कर जागती है कि महंगाई के मुद्दे पर अगर कंटिन्यू सरकार को टोका जाए तो शायद विपक्ष को जवाब देने के लिए सरकार समय रहते कोई निर्णय ले? अगर हाल ही में जो डीजल और पेट्रोल के रेट घटे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी इस बात को मानोगे कि जो कांग्रेस के एजिटेशन, जो कांग्रेस का जन जागरण अभियान, इन्हीं के प्रेशर और प्रभाव से ये रेट कम हुए, अदरवाइज ये भाजपा करने वाली नहीं थी। सीमा जी, कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ साथ आप एक महिला भी हैं, कितना मुश्किल हो रहा है घर चलाना, आप समझेंगी? बीजेपी सरकार ने जिनको सिलेंडर्स दिए थे ना, आज वो अंगीठी और चूल्हा जलाने के काम आ रहे हैं लकड़ियां लगा के, क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है कि वो सिलेंडर भरवा सके। तो ये हालात है आज, रोटी चलाना, रोटी खिलाना और रसोई चलाना बेहद मुश्किल काम हो गया। बिल्कुल, बेहद मुश्किल है। और मनोज अग्रवाल जी हमारे साथ हैं यहाँ से। मनोज जी, महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ रही है, लेकिन सरकार जो है रोना रो रही है कि विकास के लिए पैसे की जरूरत है और उसका जो आम आदमी को धैर्य बरतने की जरूरत है इसके लिए। देखिए, आज से पहले विकास कार्य हिंदुस्तान में होते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार ने कभी भी विकास कार्यों के नाम पे गरीबों को मारने का काम नहीं किया, कभी उनका निवाला छीनने का काम नहीं किया। आज महिलाओं को देखिए, प्रचार है रसोई चलाने, एक घरेलू जो जरूरत की चीज़ें होती है, खाने पीने की चीज़ें होती है, आज हर सबके भाव बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर सब आपको बताइए, हमारे टाइम पे क्रूड ऑयल कितना महंगा हुआ करता था। लेकिन सरकार कहती है पेट्रोल डीजल इतने बढ़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत कर्ज छोड़ के गई है। ये सब जो बीजेपी का दिखावा, जो झूठ बोलने का जो प्रोपेगंडा है, पब्लिक को बेवकूफ बनाकर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कर्ज कांग्रेस पार्टी की सरकार पे था, उससे आज वो कर्ज डबल हो चुका है। बिल्कुल, देखिए, महंगी रसोई, महंगा तेल, भाजपा सरकार हो गई फेल। मैं दिखाऊंगी कि हाथों में तख्तियां लेकर ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बहुत संख्या में महिलाएं भी यहाँ मौजूद है। आंटी, मुश्किल होती है घर का बजट बनाने में? घर का बजट बनाने में बेटा बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं। मैं गैस महंगी कर दी, बिजली महंगी कर दी, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, आज तक कोई है नहीं। तो आप महंगाई को लेकर आज पदयात्रा में शामिल हुए हैं या कांग्रेस को लेकर शामिल हुए हैं? महंगाई को लेकर शामिल हुए हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई, घर का खर्चा नहीं तो आम आदमी क्या करेगा? सही कह रही हैं आंटी, ये महंगाई महंगाई की वजह से महंगाई का बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा महंगाई। देखिए, बहुत ही स्लोगन आप देख सकते हैं, मोदी और महंगाई दोनों है भाई भाई। महंगाई ने मचाया हाहाकार, नींद से जागो भाजपा। जहां दिनों दिन बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के निर्देश पर वल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में महंगाई के खिलाफ जनजागरण अभियान के तहत पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस पदयात्रा का नेतृत्व कांग्रेस के पूर्व मंत्री बृजेन्द्र कादियान ने किया। वहीं इस पदयात्रा में प्रमुख रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप वल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, वरिष्ठ नेता मनोज अग्रवाल, प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया, वेद प्रकाश यादव, सीमा जैन, अनीश पाल के साथ तमाम कांग्रेस के नेताओं ने शिरकत की। इस पदयात्रा की विशेष बात यही रही कि बढ़ती महंगाई को लेकर आम महिलाएं भी इस यात्रा में शामिल हुई और कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सरकार पर तंज भी कसा। महंगाई को लेकर जब आम आदमी बेहाल है, वहीं अब कांग्रेस भी मुखर हो चुकी है और अब कांग्रेस की पदयात्रा के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भटकल विधानसभा क्षेत्र से विजय प्रताप जी यहां पर मौजूद है। सर, बहुत हो चुकी महंगाई की मार, कुछ तो करो मोदी सरकार। लगातार अब आम आदमी भी कह रहा है और कांग्रेस के साथ आम आदमी जुड़ गया है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैं मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब पेट्रोल 60 के आसपास हुआ था और सिलेंडर 400 के आसपास था, तो मोदी जी का एक भाषण है कि कांग्रेस वालों को जनता के बीच में जाने में शर्म नहीं आती, जो 60 रुपए का पेट्रोल है और ये वोट मांगने जाते हैं, ये मोदी जी ने कहा था। और आज मैं समझता हूं मोदी सरकार की चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है, इनकी आंखों से शर्म उतर गई है।
₹100 से ऊपर डीजल पेट्रोल कर दिया है, ₹900 से ऊपर सिलेंडर कर दिया है, ₹200 का सरसों का तेल है। असली में शर्म तो इनकी खोई है और इन्होंने पूरे देश को भटकाकर केवल जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद में और लोगों को भ्रमित कर असली मुद्दे पे आने नहीं दे रहे। कांग्रेस का ये जन जागरण अभियान है, यात्रा है कि हम लोगों को जगाएंगे। जो वायदे मोदी ने किए थे वो उनमें से पूरे नहीं किए, उनको याद दिलाएंगे और लोगों को संगठित करेंगे इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ। जी, और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जितेंद्र चंदेलिया जी मौजूद है। सर, क्या लगता है महंगाई की मार सरकार पर भी पड़ेगी क्योंकि आम आदमी अब मुखर होने लगा है सरकार के खिलाफ? देखो, तीन कृषि काली कानून के बाद आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने पेट्रोल डीजल रसोई गैस और फल सब्जियां आम चीजों के जो दाम बढ़ाए हैं उस पर पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, जनता के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने भी फटकार लगाई है केंद्र सरकार को। वैसे सुप्रीम कोर्ट और विशेष खंड विशेष न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना साहब फटकार लगाते रहे हैं, चाहे वो किसानों को कुचलने का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो। भुखमरी के ऊपर, भूख से साउथ उड़ीसा साउथ बिहार में जो मौतें हुई हैं, आज सुप्रीम कोर्ट, आज सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है। और कई मुद्दों पर सुप्रीम फटकार सरकार को पड़ चुकी है। भारत जी, जी तुगल की फरमान जो जारी किया है उसके ऊपर मुझे एक शेर की पंक्ति, शायर की पंक्ति याद आती है। मोदी साहब जो तुगल की फरमान जारी करते हैं कि नया निजाम नई बंदिशें ऐलान नया, नया निजाम नई बंदिशें ऐलान नया, हम फकत लश्करे शाही के माफिक सोचे और शाही भी वक्त ने ये हुक्म किया है जारी कि अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचे। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है, क्रांतिकारियों की पार्टी है, हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, शैलजा जी के नेतृत्व में तीखा प्रहार जो है सरकार पर किया है। भारत जी, जी क्या नाम है आपका? सोनू चौधरी। क्या लगता है, महिलाओं का नेतृत्व आप करती है, महिलाएं कितनी दुखी हैं महंगाई से? महिलाएं इतनी दुखी हो गई हैं कि दोबारा से मिट्टी के चूल्हे पे आ गई है। जो गैस सिलेंडर हम लोगों को दिए थे वो बंद करके हमने रख दिए शोपीस की तरह। घर में हर चीज महंगी हो गई है, यानी चूल्हे जो है, जो उज्ज्वला योजना थी वो कहीं ना कहीं शोपीस बन गए हैं। और भारत जी, क्या लगता है आपको, महंगाई की मार लगातार आम आदमी कह रहा है, लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से सड़कों पर उतरी है राहत मिलेगी सरकार को? बिल्कुल, लोगों को राहत मिलेगी? बिल्कुल मैडम, कांग्रेस सड़कों पर शुरू से थी, चाहे वो सत्ता में थी चाहे आज विपक्ष की भूमिका निभा रही है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा कि आपको जो मैं बात कहने जा रहा हूँ उसको बहुत जरूरी है समझना। मैंने एक संत के मुँह से सुना था कि जिंदगी में चाहे जोश ना हो, बात करने का भी कुछ होश ना हो, लाखों ऐब हो इंसान की जिंदगी में मगर एक एहसान फरामोश ना हो। कहने का भाव सिर्फ ये है कि जिस जनता ने, जिस आवाम ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में इस उम्मीद के साथ बिठाया था कि शायद अब हमारी समस्याओं का हल होगा, मगर ये एहसान फरामोश सरकार जनता के एक एक दिए हुए वोट के साथ जो एहसान फरामोशी कर रही है लगातार उनके ऊपर, कभी पेट्रोल डीजल के रूप में, यानी सरकार, देखिए कांग्रेसी नेताओं का सीधे तौर पर कहना है कि आम आदमी के साथ छल किया है, वोट के बदले महंगाई की मार आम आदमी को दी है, ऐसा आज कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता पदयात्रा के दौरान कह रहे हैं। और यदि समय रहते सरकार नहीं जागी तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ हर खबर हरियाणा के लिए फरीदाबाद से पूजा शर्मा। गुरुग्राम के एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने वाले दवा विक्रेताओं को चेक बांटे। जिन दवा विक्रेताओं की मौत